सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को उम्मीदवार मानने और बिला मुकाबला चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन को यह नोटिस शिव खेड़ा की अर्जी पर जारी किया गया है। दरअसल अर्जी में कहा गया था कि नोटा को भी एक उम्मीदवार माना जाए और अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो इस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सूरत की भी मिसाल दी गई। अर्जी में यह भी मांग की गई थी कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ अगर दूसरा कोई उम्मीदवार पर्चा दाखिल नहीं करता है या पर्चा वापस लेता है तो भी इसे बिला मुकाबला जीता हुआ करार न दिया जाए, क्योंकि चुनाव के वक्त ईवीएम में नोटा का भी ऑप्शन है। और लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुल्क में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट पर्ची की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस के लीडरों के मुंह पर एक करारा झटका बताया है। बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। लोकतंत्र देश में ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर वाला युग नहीं लौटेगा। ये बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश भी दिए हैं। पहला, ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से चुनाव आयोग को तो राहत मिली ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडी अलायंस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को याद दिलाया कि कैसे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ लूट लिया जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ईवीएम को बदनाम करने में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले से चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिली है, साथ में वैसे लोगों को करारा झटका लगा है जो हर चुनाव के पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिया करते हैं। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 जेकेएलएच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।